हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है भाई। तो हम लोग अभी निकले हुए हैं, तिहामी को लेकर जा रहे हैं हम लोग लखनऊ। तिहामी आज जा रहे हैं अपने घर पर। और भाई बहुत सडनली प्लान बना, बहुत ही सडनली बना, मतलब कल रात में डिसाइड हुआ है, कल रात ही में, मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी भाई कि इसकी वजह से हमें सुबह सुबह निकलना पड़ा। और सुबह मतलब हम लोग सारे सोए नहीं है, अभी सुबह की हमारी फ्लाइट है भाई। तो हम लोग निकले एयरपोर्ट के लिए और तिहामी हमारे साथ है। तिहामी जा रहा है भाई। तिहामी भी नहीं सोया है, बहुत कम सोया है। आप सोए नहीं थे ना? नहीं सोया है भाई। तिहामी की नींद भी पूरी नहीं हुई, हमारी भी नींद पूरी नहीं हुई है। तो हम लोग जाएंगे और फ्लाइट में सो जाएंगे। 2-2.5 घंटे की फ्लाइट होगी हमारी, है ना? तो थोड़ी सी नींद पूरी कर लेंगे, फिर हम लोग तिहामी के घर पहुंचेंगे, फिर आराम करेंगे, है ना? तिहामी कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप, आपको नींद आ रही है? हाँ सोना था आपको, थोड़ा सा नींद तिहामी को आ रही है भाई। तो तिहामी को तो हम लोग फ्रेश फील कराते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। और तब तक हम लोग एयरपोर्ट ही पहुंचते हैं। यस, चलो जल्दी इसी के साथ साथ हमारे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कुछ नहीं बोल रहे थे मैम, यहाँ पे कुछ भी मैं लेट नहीं आया हूँ मैम, मैं एक घंटे से पहले पहुंचा। उन्होंने बोला कि अब भी बंद हो चुका है, ऐसा हो चुका है, आप वहां जगह पर वहां से हो जाएगा। हम यहाँ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं आपका, तो यहाँ भेजा, वहीं बोल दिया होता ना सर, ऐसे ऐसे ऑप्शंस भी है, आप बैग छोड़ दो वहां से चले जाओ। और यहाँ पे आके आप बोल रहे हो कि नहीं कुछ नहीं, 11,000 दो, 18,000 दो, 45,000 पहले से भर चुका हूँ मैं, कुछ होते हैं पैसे? वाह, 1,00,000 रुपए के लिए 1,00,000 की टिकट पड़ी है मुझे, 4 टिकट 1,00,000 रुपए की, अब उसके ऊपर 11,000 और दूं मैं? क्या ला भाई, मतलब क्या ही बताएं यार, क्या ही बताएं। आज का दिन हमको बहुत महंगा पड़ गया, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया यार। मतलब आज का दिन क्या था हमारा, कुछ समझ ही नहीं आया हमें। मतलब शुरुआत से बताता हूँ मैं, हम घर से निकले, हम घर से क्यों निकले, हम निकले थे जा रहे थे लखनऊ तिहामी उसकी मम्मा को ड्रॉप करने के लिए, ठीक है? पर हम क्यों जा रहे थे, कल रात में हमने ना यार टिकट बुक करी, कल रात में करी, बहुत सडनली एकदम अचानक से प्लान बना, प्लान भी नहीं बना, मतलब ऐसा कोई हादसा हो गया, ऐसा कुछ हो गया जिसके वजह से ना हमने लखनऊ जाने की ज़रूरत पड़ गई कि नहीं भाई लखनऊ कल जाना है, कल के कल निकलना है, कुछ ऐसा हो गया था। तो उसके लिए हम यहाँ से निकले, टिकट हमने रात में बुक करी, जिसकी प्राइस हमें एक टिकट की 21,000 थी, ठीक है, एक टिकट। तो हमने 4 टिकट्स ली, मैं, आकिब भाई, तिहामी, उसकी मम्मा, हमने 4 टिकट्स ली। और ओवरऑल हमको 4 टिकट कितनी पड़ गई, 84,000, ओके, 84,000 के हमें 4 टिकट्स ली। और हम यहाँ पे आते हैं और हम टाइम पे आ गए थे, हम मतलब यहाँ पे 1 घंटे 20 मिनट कुछ जल्दी आए थे, मतलब हमारी फ़्लाइट को टेक ऑफ करने में 1 घंटा 20 मिनट्स बाकी थे। तो हम गए, हम लाइन में लगे, बोर्डिंग वोडिंग करा रहे थे, तो उसने हमारे टाइम पहले 20 मिनट वहीं वेस्ट किया। इसलिए नहीं कि हम लाइन में है, लंबी लाइन थी, नहीं, उन्होंने बोला वेट सर हम कुछ कर रहे हैं, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने 20 मिनट लगा दिए उस चीज़ में। फिर जब उनका सिस्टम चला तो उन्होंने बोला सर हमारा सिस्टम ना अभी बंद हो चुका है, क्योंकि सर्वर का इशू नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपने ना 1 घंटे पहले आपको आना चाहिए था। और हमने बोला तुम पागल हो, दिमाग ख़राब है, हम तो पहले आए, तुम बोर्डिंग हमारी करते थे, हम अंदर चले जाते। तो उसने बोला नहीं सर हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आप सामने जाइए, सामने काउंटर पर बात करिए। मैं बोला ठीक है। तो हम सामने काउंटर पर आते हैं, मैडम को हमने बोला मैडम हमारी ये समस्याएँ हैं, आप प्लीज़ बताओ कि इसका क्या सोल्यूशन है। मैडम बोलती है वेट करती हूँ मैं कुछ। मैंने बोला ठीक है मैडम कुछ कर देंगी। और हम खड़े हैं वहाँ, 20 से 25 मिनट हमारे वेस्ट हुए मैडम के रुकाने पे। हमने लगा मैडम कुछ कर रही है, तो मैडम क्या करती है, आके बोलती है कि नहीं सर सॉरी कुछ नहीं हो सकता, आपकी फ्लाइट, आपका बोर्डिंग बंद हो चुका, सब कुछ बंद हो चुका है, आप नहीं जा सकते हो, आपको दूसरी फ्लाइट करनी पड़ेगी। मैंने बोला दिमाग ख़राब है आपका, मैं पागल हो गया भाई। मैंने बोला मेरे को जो अर्जेंटली पहुँचना है वहाँ पर,
और यहाँ मेरा काम है, मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के अर्जेंटली जा रहा हूँ, पर भाई तुमने ये सब करना, मैं तो पहले पहुँच गया, मेरी गलती है नहीं, मैं पहले आया हूँ, तुमने मुझे बोला कि रुको 20 मिनट, तुमने वेस्ट किया 20 मिनट, वहाँ पे वेस्ट हुआ, उसके बाद जाके भाई मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे बता रहे हो कि सोल्यूशन कुछ है नहीं। सोल्यूशन ये है कि दूसरी फ्लाइट बुक करो, पैसे वेस्ट करो और जाओ। मैं ऑलरेडी 84,000 85,000 यहाँ पे मैं दे चुका हूँ, और फिर मुझसे मैंने बोला ठीक है मेरी दूसरी फ्लाइट कर दो मैम, आप मैं जाता हूँ उसमें, कब का टाइमिंग है क्या है मेरे को बता दो, ठीक है कोई नहीं चलता है होता है। तो उन्होंने बोला शाम की फ्लाइट है आपकी, आपको लेकिन ना सर एक्स्ट्रा 11,000 रुपये पे करने पड़ेंगे 4 टिकट्स के और। मैंने बोला भाई मैं पहले ही 85,000 दे चुका हूँ, मैं 11,000 और दूँ मैं क्या करूँ, 1,00,000 रुपये की टिकट पड़ रही है मुझे 4। तो भाई समझ में मुझे कुछ आया हुआ नहीं, मैं चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं बात कर मतलब मैं ऐसे नहीं चिल्लाया यार, मेरा कोई मतलब नहीं था चिल्लाने का, क्योंकि भाई अच्छी बात नहीं है ऐसे झगड़ा करना चिल्लाना कुछ भी करना, मैं नहीं चिल्लाता, पर लेकिन मैं सवाल करने की कोशिश मैं उनसे सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं सुन रही है, इतनी सारी मैडम खड़ी है वहाँ पे, पर वो स्माइल कर रही है और कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही, सॉरी सर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। मैंने बोला भाई अब तो मेरे को चिल्लाना पड़ेगा वरना फिर ही बात करेंगे वैसे, तो मैंने भाई थोड़ी आवाज़ मेरी बढ़ाई और जिसके लिए मैंने माफ़ी मांगी यार, मतलब मेरा काम हुआ था, मैंने माफ़ी मांगी उनसे कि सॉरी मैं थोड़ा रूड हुआ, क्योंकि यार आप लोग सुन नहीं रहते, बोलिए सॉरी सर हमारा भी काम है, हम आपको जितना जवाब देंगे अपना सवाल करेंगे, हम ज़्यादा सवाल कर नहीं सकते आप हमसे और हम ज़्यादा जवाब दे नहीं सकते। मैंने बोला यार मैं कस्टमर हूँ, आपका काम है, आप खड़ी हैं वहाँ पे मेरे हेल्प करने के लिए, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, तो ऐसी बात आप कर भी नहीं सकती है। तो खैर वो बात तो बात की है, उससे पहले फिर मैंने भाई थोड़ा लाउड हुआ मैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी आ गई, पुलिस वाले आ गए, सारी चीज़ें आ गई, उन्होंने बोला सर आप ऐसे मत करो, मैंने बोला सर कैसे ना करूँ मैं, मेरा ऐसा ऐसा चीज़ें थी, मैं सही था ना यार, मेरा टाइम आप लोग ने वेस्ट किया, मैं टाइम वेस्ट नहीं किया हूँ मेरा, मैं टाइम पर था, 1-1.5 घंटे पहले ही आ चुका हूँ मैं। तो नहीं माने, रिफंडेबल भी नहीं कर रहे हमारे पैसे, कुछ भी नहीं, फिर हमने जाना तो है ही, काम तो है ही, तो इस वजह से हमने बोला कोई बात नहीं 4 टिकट्स ले लेते, ऊपर कितना एक्स्ट्रा है मेरे को बता दो तो हम दे देते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर आपको 11,000 रुपये एक्स्ट्रा और देने, 11,000 नहीं फिर 14,000 हो गए, फिर 14,000 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स ये वो वगैरह वगैरह 14,000 साढ़े 14,000 रुपये हमने और दिए हैं, और फिर हमें 4 टिकट्स मिली है जो ये एयरपोर्ट की नहीं है, टर्मिनल एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पे हमने फ़्लाइट पकड़नी है, वो भी शाम की 6 बजे की 7 बजे की फ़्लाइट है हमारी, तो वो करेंगे हम लोग भाई, ऐसे हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारी आवाज़ ही बैठ चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेट कर रहे हैं, कोई नहीं 1,00,000 रुपये की टिकट पड़ गई है हमें जो बहुत बड़ा नुकसान है यार, मतलब क्या है यार ये, कोई नहीं अल्लाह की मसलियत होगी भाई, अल्लाह कुछ अच्छा ही चाहता होगा, पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा बस अल्लाह सब बेहतर करे। तो हमने थोड़ा वेट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद हमें निकलेंगे, अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं, मुझे देख रहे हैं जब से वहाँ से देख रहे थे अभी यहाँ से देख रहे हैं, देखो ठीक है यार, तो कोई नहीं हम लोग जाते हैं अभी वहाँ पे त्यामी लोग के पास, वो लोग भी वहाँ पर बैठे हुए हैं वेटिंग एरिया में, तो हम लोग अंदर जाते हैं उनसे बात करते हैं कि घर चलना है कि यहीं पर बैठना है, पता नहीं क्या है बता दो, क्योंकि अभी तो भाई हमारी फ़्लाइट को ऑलमोस्ट कुछ 7 घंटे है, अभी 10 बज रहे हैं, 7 बजे की फ़्लाइट है हमारी, 7 घंटे है, तो 7 घंटे तक हम क्या करेंगे, यहीं बैठना है, घर पर जाना है, नहीं पता, देखते हैं भाई जो भी होता है यार। टाइम पास के लिए तियामी के लिए कोई चिप्स ले लेते, तो हमने सादा सॉल्टी चिप्स लिया है तियामी के लिए, और हमारे लिए भी कोई अच्छा सा ले लेते हैं, ये लो नामी, अरे वाह तियामी के लिए चिप्स लाए भाई हमने, तियामी खाएगा भी चिप्स, ओपन कर दे, चलो ठीक है, और ये हमारे लिए है भाई, ये मेरा है, ये वाला चाहिए नहीं यार, ये बहुत स्पाइसी है, नहीं दोनों ने ये खाओ, ये सॉल्टी है, ये सही है, दोनों खाना है, चलो ठीक है, लो खोलने दो। बैठे तो टाइम ही नहीं कट रहा है, दिन ही नहीं कट रहा है हमारा, पर अभी 2 बज चुके हैं और जोहर की नमाज का वक्त हो चुका है, हमने पढ़नी है नमाज, तो हम लोग जा रहे अभी वॉशरूम और वजू कर लेंगे, वजू करने के बाद अच्छी से जगह देखेंगे साफ सुथरी, वहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ लेंगे भाई, जा नमाज तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम लाए नहीं थे, हमने लगा था भाई ट्रैवल करके हम लोग 2 घंटे पहुँच जाएंगे, तो जा नमाज क्या कैरी करे, क्योंकि वहाँ घर पे तो होगा ही, तो इस वजह से हमने जा नमाज कैरी नहीं किया था, पर क्या कर सकते हैं यार, रुमाल है हमारे पास, रुमाल बिछा देंगे जहाँ सजदा करने रहेगा वहाँ पर और हो जाएगा, ठीक है, तो पहले वजू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं नमाज पढ़ लेंगे। ये देखो भाई ये वॉशरूम है, इतना बड़ा सा है ना, क्या ही बताएं, मतलब काफी बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे वजू करते हैं अच्छे से और जाके नमाज पढ़ते हैं अपनी, और जगह भी देखनी पड़ेगी ना हम लोग, जगह कौन सी साफ सुथरी सही है अच्छे से, और काबा भी पता करना पड़ेगा, नहीं हमारे पास तो ऐप है हमारे फोन में,
तो उससे पता चल जाता है कि काबा किस तरफ है, तो वहां हम लोग नमाज पढ़े। भाई हम लोग पढ़ेंगे नमाज यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पास है एक रुमाल ये, और हम इसको सर पे बांधे या नीचे बिछाए सजदा करने के लिए, ये प्रॉब्लम है। तो काम करते कुछ और कपड़ा पर निकाल लेते, कुछ सोल्यूशन निकालते भाई, जो कपड़ा हम यहाँ पे बिछा देंगे और हम लोग ये रुमाल सर पे बांध देंगे, नमाज पढ़ लेंगे, है ना। और यहाँ पे मैं बाहर में नमाज पढ़ सकता था, पर बाहर पढ़ना सही नहीं होगा यार, फिर लोग देखेंगे और फिर सही नहीं होगा, क्या पता कोई सामने से गुजर जाए या कुछ हो जाए। तो यहाँ एक रूम टाइप एरिया है ये, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं नमाज अच्छे से, तो यहीं पढ़ लेते नीचे। भाई हमने ना रुमाल बांध लिया है और नीचे ना यहाँ में टी शर्ट रख दिया हमने, क्योंकि बैक शीट और ब्लैंकेट तो त्यामी की थी, पर उस पर सारे कार्टून बने हुए, तो वो चलेगा नहीं ना, उसका फेस है, तो वो नमाज हमारी शायद कबूल ना होगी कि उस पर कार्टून बने हुए, फेस बने हुए। तो हमने त्यामी की टी शर्ट रख दी है भाई आगे और रुमाल को यहाँ बांध लिया है। यार हल्की फुल्की भूख लगी तो हमने लिया है अपने लिए सैंडविच और त्यामी के लिए मफिन, और त्यामी बड़ा खुश है माशाल्लाह। ये क्या चाहिए आपको? जाओ ले लो, जाओ ले लो, प्लीज बोलो प्लीज, ले लो ले लो ले लो ले लो, बताओ क्या है। भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं प्लेन के पास और पहुंच चुके हैं, बस बहुत क्यू है, देख रहे हो मेरे पीछे कितनी क्यू है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे प्लेन के अंदर बैठेंगे और बादलों में सवार होकर हम लोग त्यामी के घर पहुंच जाएंगे। यार बहुत टाइम लगा है यार, बहुत वेट किया हमने, बहुत ज्यादा ही वेट किया, क्या बताया आप लोगों को। असल की नमाज नहीं मिली हमें आज, अभी मतलब असर नहीं पड़ पाए हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेटिंग एरिया में थे, यहाँ पे मतलब नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे। भाई त्यामी का टॉय त्यामी को मिल चुका है, बहुत ही खतरनाक टॉय है भाई, त्यामी कट करता है, बताओ कैसे कट करता है। अरे 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 हम लोग भाई तो प्लेन में बैठ चुके हैं और हमें सबसे मजे की बात क्या पता, विंडो वाली सीट मिल गई है। वाओ वाओ विंडो वाली सीट मिल गई है त्यामी, ये अपने टॉय में बिजी है भाई, इसको खेलना है तो जैसा भी ये खेल रहा है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि सुबह से सोए नहीं है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग। अगर त्यामी को ब्लॉग में आना, ब्लॉग में आना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हम लोग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, चेहरा देख सकते हो आप लोग कैसा हो चुका है हमारा। तो हम लोग अभी रुक जाओ यार, अभी रुक जाओ, तो हम लोग लखनऊ पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके त्यामी, तब तक के लिए बाय बोल दो। क्या बोल रहे हो? इसको विंडो से बाहर फेंक दूं? भाई त्यामी ने ना चॉकलेट खाई है और बोल रहा है रैपर विंडो से बाहर फेंक दो। मैं प्लेन में हूँ, विंडो खोल के रैपर फेंक दूं बाहर? नहीं भाई, विंडो से बाहर फेंकने जाऊंगा तो हम सब बाहर देखे जाएंगे। त्यामी भाई बोल रहे हैं कि मामू इसको विंडो से बाहर फेंक दूं, विंडो खोल के। देखो भाई हम लोग लखनऊ की सर जमीन पे आ चुके हैं, हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी है, हम लोग लखनऊ के एयरपोर्ट पर है, जो कि भाई बॉम्बे से तो बहुत छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है यार। तो हमने वेट करा हमारे लगेज का, हमारा लगेज सामने आएगा अभी और हमें लगेज लेंगे फटाफट यहाँ से निकलेंगे, है ना त्यामी? त्यामी बहुत खुश है यार, त्यामी ने ना एक बहुत गंदे हरकत किया, क्या क्या पता है? त्यामी सो गया और सोते सोते भाई इसने सुसु कर दिया। ये देखो ची, मतलब यार त्यामी को सुसु जाना था, त्यामी ने हमें बोला था, पर लेकिन हमारी फ्लाइट लैंड हो रही थी तो हमने भाई हमने बोला अपनी एयर होस्टेस को, मैम हमको सुसु जाना है त्यामी को लेकर, तो मैम बोलती कि नहीं नहीं सर आप 5 मिनट वेट कर दो, ये 5 मिनट वेट वेट कुछ नहीं किया इसने, वहीं पे ही सुसु कर दिया भाई, पूरी इंसल्ट करा दी, पता है बहुत 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 गंदी वाली इंसल्ट करा दी त्यामी ने। छी त्यामी यार, अभी लगेज लेके जाते त्यामी को चेंज कराते हैं हम लोग। भाई सबके बैग आ गए, दुनिया के बैग आ गए, हमारा बैग अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए, कहाँ चले गए हमारे बैग, कहीं और तो नहीं चले गए, हमने यहाँ वेट कर रहे, पता चला वो बेल्ट पे चले गए। ऐसा नहीं हो गया, हमको बोला गया 2 नंबर बेल्ट पे आपका बैग आ जाएगा, तो हमने वेट कर रहे पर अभी तक आया नहीं है भाई, देखते कब आता है। आ गया भाई, आ गया, हमने नाम नहीं लिया कि हमारा बैग आ चुका है यहाँ पे, इसको फटाफट से हम लोग लेते हैं। यहाँ भी पीछे हटो, हर जगह लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी, आ गया बैग आ गया, यहाँ यहाँ, ओके ओके ओके, बिस्मिल्लाह, ये बैग भी आ गया भाई, इसको लेकर निकलते हैं हम लोग। भाई तो
बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है हमारी, बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग यार। तो हम लोग अभी कैब में बैठ चुके हैं, घर की तरफ निकल चुके हैं, और हमारे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, सरासी भी नहीं है, मतलब 5-6% बैटरी है। और हम लोग सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दें और आपसे मिले अगली ब्लॉग में मस्त एनर्जी के साथ, क्योंकि घर जाके आराम करना है, ब्लॉग भी एडिट करना है, अपलोड करना है, बहुत काम करना है। तो अच्छे से मिलेंगे आप सबसे अगले ब्लॉग में। तो इसी के साथ साथ ब्लॉग को करते हैं खत्म और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली ब्लॉग में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए। अगर आप सभी को मेरा पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता है आपसे अगली ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।